रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध लगातार लंबा खिंचता चला जा रहा है। रूसी हमलों से त्रस्त हो चुका यूक्रेन पश्चिमी देशों से हर संभव मदद की गुहार लगा रहा है। रूस ने पिछले काफी समय से अपने हमलों में तेजी दिखाई है। यही वजह है कि यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर लगातार झटकों का सामना करना पड़ रहा है। रूस के भीषण हमलों के चलते यूक्रेन को उबरने का समय तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति की खींच अब जग जाहिर होती दिख रही है। बताया जाता है कि ज़ेलेंस्की अब पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाने लगे हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसके तहत ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ संघर्ष में पश्चिमी देशों को भी शामिल होना चाहिए और कीव की वैसे ही रक्षा करनी चाहिए जैसे हाल ही में ईरानी हवाई हमलों के दौरान इसराइल की गई थी। ज़ेलेंस्की ने सोमवार को एक टेलीग्राम पोस्ट में पश्चिमी देशों से ये गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने इसराइल की मदद के लिए उसके सहयोगी देशों की कार्रवाई की प्रशंसा की है। दरअसल इसराइल और पश्चिमी देशों ने दावा किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन के जेट विमानों ने ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स को इजरायली एयर स्पेस में पहुंचने से पहले ही मार गिराया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आतंक के खिलाफ बचाव में एकता वास्तव में कितनी प्रभावी हो सकती है जब ये पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति पर आधारित हो। इसराइल, अमेरिका, यूके, फ्रांस और जॉर्डन ने एक साथ और अधिकतम दक्षता के साथ काम किया। ईरान के विरुद्ध कार्रवाई में किसी को भी युद्ध में नहीं घसीटा गया, जबकि इसराइल नेटो का सदस्य नहीं है, इसलिए आर्टिकल 5 को लागू करने जैसी किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से यूक्रेन को भी उसी स्तर का समर्थन देने और रूस के लंबी दूरी के हवाई हमलों से बचाने की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय आसमान को बहुत पहले ही समान स्तर की सुरक्षा मिल सकती थी यदि यूक्रेन को ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में अपने साझेदारों से समान पूर्ण समर्थन प्राप्त होता। मालूम हो कि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार यूक्रेनी राष्ट्रपति खुलेआम पश्चिमी देशों को घेरते नजर आए हैं। रूस के साथ जारी संघर्ष के दौरान भी कीव ने बार बार पश्चिमी देशों से किसी न किसी वजह से रूसी हवाई हमलों से सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है। यहां तक कि यूक्रेन पर नेटो की ओर से लागू नो फ्लाइंग जोन की स्थापना भी की है। हालांकि सीधे तौर पर अब तक पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ नहीं आए हैं। ऐसी आशंका है कि इस तरह के कदम से पश्चिमी देश रूस के साथ युद्ध में घसीटे जा सकते हैं। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति ने बार बार चेतावनी दी है कि वो किसी भी पक्ष की ऐसी कोशिशों को कीव की ओर से संघर्ष में सीधे प्रवेश के रूप में मानेगा।